बेलन का सवाल अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि बेलन का सवाल बच्चों के लिए कठिन जैसा महसूस होता है। अगर बेलन का सूत्र याद है तो मैं इस्तेमाल करना सिखा दूंगा, ये गारंटी लेता हूं कि इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। बस आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, मेरे साथ 5-10 मिनट रहना पड़ेगा बस। तो जो लोग नए नए अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी उंटी दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो रोज़ रोज़ आपके मोबाइल तक दौड़ती चली जाए, कहीं पर भी ना रुके, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने सवाल पर। एक बेलन का आयतन पहले से चौथाई हो जाता है, सुनो मेरी बात, एक बेलन का आयतन पहले से चौथाई हो जाता है, मतलब पहले रहा वी तो बाद में हो गया वी बटे चार, समझ में आई बात। पहले रहा आयतन V1, रहा पहले V और V2 हो गया बाद में V बटे चार, पहले का चौथाई है ना ये, पहले का आयतन V और बाद का आयतन V बटे चार, चौथाई का मतलब बटे चार, तिहाई का मतलब बटे तीन, समझ गए। आगे देखें, यदि बेलन की ऊंचाई स्थिर रहे, बेलन की ऊंचाई स्थिर रहे, V1 के साथ H1 H रहे और V2 के साथ H2 भी H रहे, दोनों बार ऊंचाई H1 H2 दोनों एक समान रहे, उसी को कहते हैं स्थिर रहे। स्थिर का मतलब क्या, रुका रहे, ना घटे ना बढ़े, तो ना हमने पहले वाली लाइन में घटाया बढ़ाया ना दूसरी वाली लाइन में घटाया बढ़ाया, दोनों में H इक्वल है। फिर क्या होता है, तो उसकी त्रिज्या पहले से होगी कितनी गुनी, तो त्रिज्या में पता लगाना R1 और R2 कितना होगा, तो R1 पहले के लिए, R2 दूसरे के लिए, इन दोनों में संबंध बताना है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, हम पहली लाइन में जहाज चलाते चले जाएं इसे, पहली लाइन में जहाज चलाने का मतलब हुआ केवल 1111 वाले से एक फार्मूला लिख लेते हैं, फिर 2222 वाले से एक फार्मूला लिख लेते हैं, बस काम ख़त्म, समझ में आ रही बात। मतलब क्या, V1 बराबर होता है पाई R1 स्क्वायर H1, समझ में आई बात। V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर H1, V1 की जगह पर P लिख देते हैं, और यहाँ पर V2 बराबर लिख देते हैं पाई R2 स्क्वायर H2, जो फार्मूला यहाँ वही फार्मूला यहाँ। अब क्या करेंगे, V1 की वैल्यू को V लिख देते हैं, पाई R1 स्क्वायर H1, V2 के वैल्यू को V बटे चार, V2 का मान V बटे चार बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। एक काम करो, इसका इसमें भाग दे दो, चाहे इसका इसमें भाग दे दो, चाहे जिसका चाहे जिसमें भाग दे दो। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, पहला एक काम कर लेते हैं, ज़बरदस्त काम, हम तिरछिया लेते हैं यहीं पर, V बराबर जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर H2। अगर भाग नहीं देना चाहते हैं फिर भी हमारा काम हो जाएगा, कैसे, इस V का ये वाला मान यहाँ पर रख देते हैं, V का ये वाला मान यहाँ रख दें, पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर 4 पाई R2 स्क्वायर H2, तो पाई पाई कट गया। H1 और H2 का मान रखना है, H1 का मान H2 का मान H रख देते हैं यहीं पर, R1 स्क्वायर H बराबर 4 R2 स्क्वायर, H2 का मान क्या है, H है, फिर दोनों पक्षों से H कट गया, ठीक है। R2 को बाएं पक्ष में लाइए, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर इधर बाएं दाहिने पक्ष में 4, इधर कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो R1 बटे R2 बराबर क्या होगा, 2/1, क्योंकि वर्गमूल लिया गया है, तो अगर तिरछी तिरछा गुणा कर दें हम तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर 2R2, R1 बराबर क्या होगा 2R2। तो पूछा क्या गया, ज़रा बताइए ना, तो उसकी त्रिज्या पहले से होगी, R1 बन जाएगा 2R2, पहले से होगी कितनी, दोगुनी या आधी, क्या दिया इसमें ऑप्शन में, आधी दोगुनी दोनों दिया है। तो ज़रा समझिए बात को, कि उसकी त्रिज्या पहले से होगी
तो इसकी त्रिज्या पहले से होगी कितनी गुनी, यानी R2 को R1 से कंपेयर करना है, यानी R2 बराबर, R2 बराबर जाएगा R1 बटे दो, ठीक है, दो को इधर लाएंगे R1 बटे दो हो जाएगा ना, तो बाद वाली त्रिज्या पहले वाली त्रिज्या की आधी होगी। ये आधा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आधा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। कन्फ्यूजन हो गया बेटा, कन्फ्यूजन हो गया हो दोबारा देख लो इस वीडियो को, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल देखिए। कभी कभी किसी किसी सवाल में समय लगाना पड़ता है आपको समझाने के लिए, ठीक है, ज़रा देखें आप सवाल नंबर आज का। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से ए टू जेड नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर इस तरीके से, 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सलूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गाँव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले करके अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सोचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर, खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 3, भीतरी त्रिज्या 2, क्या बात है, बाहरी त्रिज्या 3, भीतरी त्रिज्या 2। बाहरी त्रिज्या को R1 कहते हैं, भीतरी को R2 कहते हैं, R1 बराबर 3, R2 बराबर 2, क्लियर। फिर क्या है, यदि बेलन का आयतन 110 तो उसकी ऊंचाई कितनी, आयतन 110 तो ऊंचाई h का मान क्या होगा ये बताना है। मैंने आपसे क्या बोला था, आयतन के ठीक नीचे आयतन का सूत्र लिखा जाता है, लिख दीजिए पाई ब्रैकेट में R1² - R2² × h = 110। अब ये सूत्र ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि खोखला गोला है, खोखला बेलन है, जब खोखला बेलन हो जाएगा तो R1 R2 घटने लगेगा स्क्वायर लगा के, खोखला नहीं रहेगा तो केवल यहाँ पर R² रहेगा। अगर खोखला हो गया तो R1² - R2² बाकी पाई शुरू में, एच बाद में, ठीक है। पाई का मान 22/7, R1² मतलब 3² = 9, R2² मतलब 2² = 4, एच बराबर 110, 11 × 2 = 22, 11 × 2 = 110, फिर 2 + 2 = 2, 2 × 5 = 10, फिर 7 से 5 में गुणा करो, 7 × 5 = 35, 9 में से 4 जाएगा 5, 5 × h = 7 × 5 = 35, 5 से 35 काटो h = 7, 5 × 7 = 35, तो 7 सेंटीमीटर आ गया इसकी ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई कितना, 7 सेंटीमीटर। हम जरा ऑप्शन देख लेते हैं, अब भी ऑप्शन देखेंगे किताब में, किताब तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, नहीं दे रही है ना, देखिए ऐसे ऐसे, यस
देख लीजिए कहाँ पर है, 7 सेमी ऑप्शन नंबर ए, देखिए मेरे फिंगर के ऊपर चौथा नंबर यहाँ पर दिखाई दिया। एडिट करते समय हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ऊपर ना यही है।